सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हम लोग जब कोई भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फ़ोन में रहता ही, मगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो फ़ोन को लेकर होता है सबके साथ वो है हीटिंग प्रॉब्लम। एक्चुअली फ़ोन क्यों हीट हो जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है और कैसे हम ये फ़ोन के हीट को कम कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ़ोन क्यों हीट होता है और कैसे हम इस हीट को कम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं क्यों फ़ोन इतना हीट होता है और इससे बचने का तरीका। दोस्तों, आप एक चीज़ तो मानोगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हीट होता ही होता है, चाहे आपके कंप्यूटर हो, आपके लैपटॉप हो, आपके टीवी हो, कुछ भी हो, एसी हो, फ्रिज हो, सभी हीट होता है। मगर इसके हीटिंग कम करने के लिए कुछ चीज़ रहता है, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या रहता है, एक फ़ैन रहता है, हीट सिंक रहता है जो कंप्यूटर को हीट से बचा लेता है, यानी कि हीट कम कर देते हैं। वैसा फ्रिज के अंदर भी कुछ सिस्टम है, एसी के अंदर भी कुछ सिस्टम है, आपके टीवी के अंदर भी कुछ सिस्टम है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हीट हो तो उसके लिए एक चीज़ इस्तेमाल होता है या ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण उस चीज़ के हीट कम किया जा सकते हैं। मगर हम जब मोबाइल इस्तेमाल करते हो, मोबाइल में एक चीज़ क्या होता है, मोबाइल के जितना दिन जा रहा है उतना ही मोबाइल बहुत ही पतला हो रहा है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए प्रोसेसर जो मोबाइल का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ज़्यादा हीट हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग मोबाइल में जब भी कुछ काम करते सबसे ज़्यादा काम मोबाइल के प्रोसेसर के ऊपर ही होता है, चाहे वो फ़ोन ऑन रहे या ऑफ रहे, फ़ोन के प्रोसेसर हर टाइम पे काम करता ही रहता है। अगर हम लोग कुछ ज़्यादा काम करते हैं तो क्या होता है, प्रोसेसर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, प्रोसेसर बहुत ही जल्दी से काम करते हैं और इसके लिए फ़ोन हीटिंग हो जाते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो कि हम लोग जब गेम खेलते गेम के टाइम में फ़ोन में ज़्यादा हीटिंग दिखाई देता है, या कोई HD में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है या 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक्चुअली क्या होता है, तभी प्रोसेसर के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, तो प्रोसेसर बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट काम करना चालू कर देते हैं और इसी कारण क्या होता है, प्रोसेसर बहुत ही गर्म हो जाते हैं। जब बहुत ही गर्म हो जाते हैं तब क्या होता है, उसको तो हीट तो बाहर निकलना चाहिए, उसके ऊपर ही हमारे मोबाइल के कवर रहता है, तो मोबाइल के बैक कवर रहने के लिए उसका जो हीटिंग है वो हीट ज़्यादा बाहर नहीं आ पाता है, तभी फ़ोन ज़्यादा हीट हम लोग देख सकते हैं। अगर वही मोबाइल ज़्यादा मोटा होता तो क्या होता, उसके बीचों में एक खुला जगह रहता तो उसमें क्या होता है, हीट के जो प्रोसेसर के ऊपर हवा भी आ जा सकते थे तो क्या होता, प्रोसेसर हल्का ठंडा होता। मगर मोबाइल इतना अभी पतला हो गया कि प्रोसेसर के हीट निकलने के लिए जगह भी कम पड़ गया है, इसीलिए मोबाइल ज़्यादातर हीट होता है। और क्या चीज़ होता है, एक्चुअली हीटिंग होने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग अगर कोई भी फ़ोन इस्तेमाल करें 40-45 तक नॉर्मल टेम्परेचर हम बोल सकते हैं, क्योंकि जब कोई फ़ोन इस्तेमाल नहीं हो रहा है या कुछ मोबाइल फ़ोन कॉल हो रहा है या SMS हो रहा है उसमें थोड़ा हीट हो रहा है तो वो फ़ोन सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। मगर कोई फ़ोन अगर हर टाइम पे हीटिंग रहता है तो उसमें प्रॉब्लम रहता है। तो अगर कोई फ़ोन आप ज़्यादा गेम खेलोगे या आप फुल HD में या 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तभी आपको ये चीज़ देखने को मिलता है, फ़ोन बहुत ही हीटिंग हो जाता है। अगर और कुछ कारण रहता है जो है फ़ोन के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के जो तालमेल अगर सही नहीं होता तब भी फ़ोन के लिए हीटिंग इशू आता है, क्योंकि हार्डवेयर के साथ देखा जाए किसी मोबाइल में देखते कि हाँ इस मोबाइल में जो प्रोसेसर है दूसरे मोबाइल में भी वही प्रोसेसर है, मगर जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो हीटिंग होता है, दूसरा जो इस्तेमाल करते हैं दूसरे कंपनी का उसका फ़ोन हीटिंग कम होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो फ़ोन के ऑप्टिमाइजेशन होता है वो अगर सही तरीके से होता है तो फ़ोन के हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होता है। तो क्या करते हैं कंपनी, इसके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट देता है, सॉफ्टवेयर अपडेट देने के बाद क्या होता है, उसका हीटिंग इशू को फिक्स किया जा सकता है। तो ये जो फ़ोन के हीटिंग प्रॉब्लम है ये रहेगा, इसको कम करने के तरीका एक ही है, वो है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ोन इस्तेमाल करोगे तो फ़ोन बहुत हीट हो जाएगा, हीट होने के बाद से कुछ प्रॉब्लम भी दिखाई देता है, जैसे फ़ोन हैंग हो जाता है, फ़ोन में आप गेम खेलोगे तो लैग हो जाएगा, बीच में क्या होगा, ज़्यादा फ़ोन हीट हो गया तो फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, अगर स्विच ऑफ नहीं होगा तब भी एक दिक्कत आ जाती है, आपके फ़ोन ज़्यादा हीट हो जाता है तो फ़ोन ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसी कारण अब जब फ़ोन इस्तेमाल करते हो तो एक चीज़ ख्याल रखो कि फ़ोन कितना टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो,
आप एक घंटा फ़ोन को यूज़ करते हो तो नॉर्मल ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। आप कंटिन्यू 3-4 घंटा फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, तब ये प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों ये है फ़ोन के हीटिंग के प्रॉब्लम। तो एक चीज़ आप समझ लो, कोई भी फ़ोन हो, आपके सैमसंग के हो, एप्पल को, कुछ भी फ़ोन हो, हुआवे के हो, रेडमी के हो, सब कंपनी के फ़ोन हीटिंग होता ही है। इसके दूसरा कोई बात नहीं आएगा, फ़ोन हीटिंग होता ही है। मगर इससे बचने का तरीका क्या है, इससे बचने का कुछ तरीका है, ये भी आपके हाथ में है। पहले तो आप जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, आप देखो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं। अगर आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं रहेगा तो क्या होगा, फ़ोन में सॉफ्टवेयर कुछ इशू आ जाएगा और उसके लिए आपके फ़ोन हीट हो सकता है। दूसरा क्या है, आप कोई भी नया एप्लीकेशन अगर मोबाइल में इंस्टॉल करते हो तो एक चीज़ ख्याल रखो कि वो जो एप्लीकेशन है उसके बैकग्राउंड में कुछ चल रहेगा। अगर उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ चलेगा तो फ़ोन को हीटिंग कर देगा। तो ये भी चीज़ आपको देखना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन आप नया इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, अगर होगा तो उसको भी आपको वो ऐप आपको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। क्योंकि ये सब एप्लीकेशन सामने तो एक दिखाई देता है कि मगर बीच में बहुत से काम चल रहे हैं। कुछ ऐसा भी एप्लीकेशन है जो सामने कुछ नहीं दिखाई देता है मगर अंदर ही अंदर वो एप्लीकेशन के अंदर में एडवर्टाइजमेंट चलता ही जाता है। तो इसमें क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट जब चलता ही जाता है तो फ़ोन को तो ऑलरेडी फ़ोन के प्रोसेसर को काम करना पड़ता है तो फ़ोन हीटिंग हो जाता है। तो ये चीज़ भी आप देख लेना, देखने के बाद आपके फ़ोन देखना हीटिंग हो रहा है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है बैटरी को। बैटरी आपके फ़ोन में जो बैटरी होता है, बैटरी का भी जगह लगता है मगर फ़ोन ज़्यादा पतला होने के लिए बैटरी का जो हीट होता है वो भी बाहर नहीं आ पाता है, इस कारण भी आपके फ़ोन हीट होता है। तो ये कुछ चीज़ें जिसके कारण आपके फ़ोन हीट होता है। आपके फ़ोन को सही रखने के लिए एक चीज़ है, आप देखो सॉफ्टवेयर अपडेट सही है क्या नहीं है। दूसरा है, आप कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो, जो एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो उसके पीछे बैकग्राउंड में अगर कोई एप्लीकेशन चल रहा है तो उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो तो आपके फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं होगा। अगर आपके फ़ोन में बहुत ही एप्लीकेशन खुला हुआ है तो उसको भी स्टॉप करके रखो, जिसको ज़रूरत नहीं है तो आपके प्रोसेसर को भी काम कम करना पड़ेगा तो और आपके फ़ोन। आशा रखते हो आप इस वीडियो से कुछ जान पाए हो कि मोबाइल क्यों हीटिंग होता है, कितना हीटिंग आपके मोबाइल के लिए ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं होता है, और इस हीटिंग से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखना, क्योंकि हम जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।